मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह आयोजन के अंतर्गत दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में 60 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दो दिनों तक चले इस सामूहिक विवाह के आयोजन में कुल 60 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। गौरतलब है कि कुशाभाऊ ठाकरे भवन में पहले दिन 28 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, तत्पश्चात बुधवार को अंतिम दिन 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसकी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सुश्री जमुना साहू ने बताया कि शासन की योजना के तहत नव विवाहितों को 1,000 रुपये की राशि के साथ अन्य सामग्रियां उपहार स्वरूप दी जा रही है। वहीं विवाह समारोह में प्रमुख रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी रचिता नायडू, सुश्री श्रद्धा सोनी, ब्रिजलाल पटेल व एल्डरमैन श्रीमती रत्ना नारामदेव के साथ बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में विभाग की प्रभारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। परियोजना दुर्ग शहरी जिला दुर्ग के अंतर्गत यहाँ पे कन्या विवाह जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत करवाया जाता है, वो दो दिवसीय कार्यक्रम करवाया जा रहा है कुशाभाऊ ठाकरे भवन में, जिसके अंतर्गत कल 27 जोड़ों के हम लोगों ने यहाँ पे विवाह संपन्न करवाया था और आज 32 जोड़ों का यहाँ पे विवाह संपन्न कराया जा रहा है। पूरी विधिवत तरीके से ये विवाह हो रहा है, जिसमें शासन की तरफ से इन लोगों को 25,000 रुपये की जो राशि दी जाती है, जिसमें इनको तरह तरह के फर्नीचर, मंगलसूत्र, बिछिया और 1,000 रुपये का चेक दिया जाता है। तो इनकी सारी व्यवस्था रुकने की, खाने की, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी और आज ये विवाह अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। मतलब पूरे जिले दुर्ग से हैं, मतलब है तो शहरी परियोजना के अंतर्गत ही, मगर कुछ जाम वाम के लिए कुछ बातें नहीं हैं। तो दूल्हा दुल्हन जैसे अगर कोई दुल्हन यहाँ की है शहर की और दूल्हा वहाँ का, तो वैसा ऐसा मिक्स है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि शहर का होना चाहिए। बस ये है कि जो कन्या है वो मतलब BPL होना चाहिए। बहरहाल शासन की योजना के तहत 60 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, वहीं नवविवाहितों को 1,000 रुपये की राशि के साथ अन्य सामग्रियां भी उपहार के रूप में दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।